हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड नो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेकरी जैसा बिल्कुल परफेक्ट केक रेसिपी, जैसे कि बेकरी में बनाया जाता है। प्रीमिक्स से ही हम बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बेकरी जैसा केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें बर्तन को गर्म कर लेना है, या फिर माइक्रोवेव को आप गर्म कर लें। तो मैंने यहाँ पर मोटे तले का बर्तन रख दिया है गरम होने के लिए। एक कटोरी या स्टैंड रख लें आप। तो ये देखिए, बर्तन को हम अच्छी तरह से गरम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये प्रीमिक्स, जो कि मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। ये 1 kg का पाउच है। अब यहाँ पर हम इस तरह से कुछ मेजरमेंटिंग का कप ले लेंगे। आप चाहें तो किसी भी एक कटोरी या कप का इस्तेमाल कर लें। अब उस प्रीमिक्स से मैंने ले लिया है यहाँ पर 1.5 कप पाउडर। इसमें हमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी होती है, सिंपल प्रीमिक्स लेना है और उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये 1.5 कप प्रीमिक्स। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। अब इसमें हमें डालना है पानी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल नॉर्मल पानी लिया है और इस पानी से हमें जितना पानी लगे उतना ही हमें इसमें डालना है। एक साथ आप बिल्कुल भी ना डालें। आपके पास घर में मेजरिंग जो मशीन होती है वो नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कप का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप इजीली लाकर प्रीमिक्स और बना सकें। तो पानी हमें इसमें इतना डालना है कि ये ना बहुत थिक रहे ना ही थिन, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का रहे, बिल्कुल लम्स फ्री। तो ये देखिए, अब इसे हम बीटर से बीट कर लेंगे हाई स्पीड पर 2 मिनट के लिए कंटिन्यू। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, आप इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डालकर भी फेंट लें। तो ये देखिए, अब हमने यहाँ पर लिया है ये केक टिन, किसी भी इंच का आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा लंबे साइज का लिया है। तो इस तरह इस समय जो छोटे छोटे केक चल रहे हैं ना, मैंने वो वाला बनाने की कोशिश की है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से ऑयलिंग कर दी है। अब हम इसमें लगा देंगे बटर पेपर। बटर पेपर लगाने से केक बहुत ईजीली मोल्ड हो जाता है, और अगर आपके पास ये ना हो तो केवल ऑयल से भी केक हमारा अच्छी तरह से बाहर आ जाता है, चिपकता नहीं है। तो अब हम साइड्स में भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसमें ये बटर पेपर लगा दिया है। आप इसे किसी भी शेप की केक टिन में बना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि यही वाला केक टिन होना चाहिए। तो ये देखिए, हमने बटर पेपर लगा दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बैटर। तो बैटर को सिंपल सा पानी के साथ घोल देना है और इसके बाद हमें 2 मिनट के लिए बीटर से बीट कर लेना है। यदि आपके पास बीटर ना हो तो आप इसे हाथों से भी अच्छी हाई स्पीड में बीट कर सकते हैं, या फिर आप इसे मिक्सी में भी बीट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आधा टिन हमने भर दिया है। अच्छी तरह से टैब कर ले। और अब हमने जो माइक्रोवेव बनाकर रखा था ना, होममेड ओवन, वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अगर आप इसे माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें 10 मिनट के लिए, और फिर इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख दें, क्योंकि 1/2 kg का केक बनेगा तो टेम्परेचर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तो मैं भी इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो केवल 20 मिनट में ही ये देखिए, हमारा केक बहुत अच्छी तरह ऊपर तक आ गया है, टूथपिक एकदम क्लीन हो चुकी है। तो ज़्यादा समय नहीं लगा है इतने केक को बेक होने में। अब इसे बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। केक को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ये देखिए, ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और बटर पेपर के कारण ये इजीली बाहर निकल आएगा। तो ये केक मेरा 15 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो गया था, ये देखिए। और ये थोड़ा सा ज़्यादा सा हो गया है, तो इसे हम थोड़ा सा अलग कर देंगे कट करके। तो अब हम पहले ऊपर का शेप कट करेंगे और इसके बाद हम इसके 3 लेयर कट करके निकाल देंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी देखिए प्रीमिक्स से केक बनकर तैयार हुआ है। तो यदि आप भी बिना झंझट के प्रीमिक्स से घर पर ही केक बनाना चाहते हैं, या फिर केक बिजनेस के लिए आपको प्रीमिक्स से ही केक बनाना है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने, अगर आपको ये ब्राउन वाला पार्ट पसंद नहीं है ना, तो आप किसी भी रिंग कटर से इसे कट कर सकते हैं और केवल आपको यहाँ पर राउंड शेप मिल जाएगा, जो कि केवल स्पंज रहेगा। और बेकरी वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो ये देखिए, 3 लेयर में हमने इसे कट कर लिया है। और इसके पीछे का पार्ट जो है ना, वो भी हम क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा। लाइटिंग के कारण आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा डार्क शेड का लग रहा है, तो हम इसको, ये देखिए,
इसको हम ये निकाल देंगे, जिससे इसका जो भी टेस्ट है वो निकल जाएगा। हमारे तीनों ही लेयर अच्छी तरह से कट चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कटोरी प्लेट, आप इस तरह से टर्न टेबल बना सकते हैं। अब हम रख देंगे इसमें हमारा स्पंज। इसमें हमें शुगर सिरप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप होममेड घर पर ही बना रहे हैं तो वो कभी कभी उसमें स्वीटनेस ज़्यादा भी हो जाती है और हमें पता भी होता है, लेकिन हमें बाहर के प्रीमिक्स में पता नहीं होता कि इसमें कितनी चीनी या कितना शुगर है। तो थोड़ा सा शुगर सिरप आप लगा दें। व्हिप क्रीम को मैंने 1 कप लिया है और अच्छी तरह से व्हिप कर दिया है। तो अब हम इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश का इस्तेमाल भी करेंगे। आप अपने मनपसंद फ्लेवर का कोई भी क्रश ले सकते हैं। तो ये देखिए व्हिप क्रीम हमने लगा दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रश डाल देंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी तरह से हमें तीनों लेयर बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये सेकंड लेयर भी हम इसी तरह से कर लेंगे। शुगर सिरप आपको सभी लेयर्स में बनाना है। तो ये देखिए तीनों लेयर में ही हमें अच्छी तरह से व्हिप क्रीम लगा देना और इसे कवर अप कर देंगे। तो ये देखिए हमने व्हिप क्रीम लगाकर इसे अच्छी तरह से क्रम कोटिंग कर दी है। अब इसे आप चाहें तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दें फ्रिज में, जिससे कि हमारी आइसिंग अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अब हम इसमें फाइनल फिनिशिंग करेंगे और व्हिप क्रीम लगाकर इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो व्हिप क्रीम लगाकर हमें सभी तरफ से इसे कवर अप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ये स्क्रैपर ले लिया है, इसके जो भी एजेस है वो स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे स्मूथ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये कॉम वाला स्क्रैपर लिया है, तो इसे अच्छे से हम डिज़ाइन बना लेंगे। ये सारा सेट मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसमें कॉम भी कर दिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। और इसी तरह से हम ऊपर भी पैटर्न डिज़ाइन दे देंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। तो अब हमने इसे यहाँ पर एक कॉम भी कर दिया है। अब 5 मिनट के लिए रख देते हैं हम इसे फ्रिज में, जब तक में हम बना लेते हैं हमारा जेल आइसिंग। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से जेल मार्केट में मिलता है। इसमें हमें पानी डालना है और इसको एकदम स्मूथ हमें कर लेना है, बहुत थिक नहीं रहना चाहिए। इसमें ना ही हमें चीनी डालना है ना ही और कुछ भी चीज़। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको बिल्कुल स्मूथ बना लेना है। तो ये देखिए, और फिर आप इसमें अपने मनचाहे कलर डालकर इसको अपने मनचाहे कलर में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे स्मूथ कर लिया है। मैं इसमें दूंगी ब्लू कलर, तो मैं यहाँ पर 2-3 ड्रॉप ब्लू कलर की डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेड कलर डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी कलर डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। और यदि आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं इसे प्लेन एसेंस नहीं दे रही हूँ, प्लेन ही रहने दे रही हूँ मैं इसे। तो ये देखिए हमारा कलर तैयार हो चुका है। और अब हम ले लेते हैं हमारे केक को। तो केक के ऊपर इस तरह से हमें पाइपिंग बैग में पहले भर लेना है। इस तरह से जेल को भर लेने से ना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और आपने देखा होगा बेकरी में बिल्कुल इसी तरह से केक मिलते हैं। तो अब आप इसे घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको केक का बेस घर के सामान से बनाना सीखना है तो इस तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल में बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आटे से, मैदे से, गैस में, ओवन में और जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। इन सारी वीडियोस को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। चाहे तो आप मेरे चैनल में भी विजिट करके देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ब्लू कलर को अच्छी तरह से सभी तरफ से ड्रिपिंग कर दी है। तो केक हमारा देखने में बहुत ही सुंदर लगकर तैयार हो गया है। और अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर दे देंगे,
क्योंकि हमें यहाँ पर चॉकलेट लगानी है। यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने एकदम सिंपल रखी है। तो ये चॉकलेट्स के ये जो फ्लावर है ये मैंने ही बनाए हैं, इसकी भी वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, अब साइड्स को भी हम अच्छी तरह से कवर अप कर देंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर हम इसमें बना देंगे। कोई भी पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं, जैसी चाहें वैसे। तो सिंपल तरीके से बनने वाला बिल्कुल बेकरी जैसे परफेक्ट केक अब हम घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से सभी तरफ हम फ्लावर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सभी तरफ से हमने इसमें फ्लावर बना दिए हैं। अब थोड़े बहुत हम इसमें डस्ट कर लेंगे, ये हमारी सिल्वर डस्ट है, बिल्कुल हल्का सा हमको करना है, ये टोटली ऑप्शनल है। ये सभी सामान आपको किसी भी बेकरी शॉप में बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप किसी बेकरी स्टोर में जाकर ही ये सारा सामान खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन में आपको इतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं होता है। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है सिल्वर बॉयल्स, आप इसमें कोई भी सिल्वर बॉयल्स स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा फाइनली केक बन गया है, इसे बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करके रख दें, ये 4 से 5 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको बहुत दिनों के लिए रख रहे हैं तो जो हमने स्पंज में शुगर सिरप डाला है वो आप ज़्यादा डालें। तो ये देखिए बन गया हमारा केक। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी बेकरी से भी बेहतरीन केक, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।